तो कई किस्म के हैं महाराष्ट्र में, लेकिन घर का खाना जो है ना वो एकदम अलग है। उसको खा के आत्मा को एक ठंड सी हो जाती है बिल्कुल। तो हम वही खाना तलाश करते हुए आए हैं कस्तूरी महिला गृह उद्योग, जो कि है चेंडरे में, नागडोंगरी में, अलीबाग में। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर जितना भी खाना बनता है सारी लेडीज़ जो एक पास के गाँव से आती हैं वो मिल के बनाती हैं एकदम ताज़ा। लेकिन बात अंदर जाके और करेंगे, आइए आपको लेके चलते हैं कस्तूरी में। अब मैं इसको रेस्टोरेंट तो बोल नहीं सकता, घर ही है, तो आइए घर चलें। और कस्तूरी के अंदर आते ही आधी भूख तो मेरी वैसे ही मिट गई स्वर्णा ताई का स्माइलिंग चेहरा देखे। कैसे हैं स्वर्णा ताई आप? नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत। पहला तो मैं जगह के बारे में आपको बोलना चाहूंगा, बिल्कुल घर जैसा बनाया आपने। तो कस्तूरी का आइडिया कैसे आया आपको, कहाँ से शुरू किया आपने? एक्चुअली मैं बॉम्बे से हूँ जी। मैं 98 में यहाँ पे आ गई हूँ। पहले दुकान कुछ भी नहीं थी यहाँ पे, तो एक दिन ऐसा लगा कि हम चपाती भाजी करेंगे अभी, क्योंकि हर किसी को भूख लगती है तो क्या खाते कि वड़ा पाव, वही तो उनका ये होता है। तो मतलब उन दिनों में सिर्फ वड़ा पाव मिलता था ज्यादा, हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं था पहले। तो चपाती भाजी करेंगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था जी, और 6 महीने मेरे पास खाली जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग थे ना, कामाटी लोग, वो 7 जन खाली कटिंग पीते थे सवेरे और शाम। अच्छा। फिर भी मैं वहाँ से आके पूरा कर देती। 6 महीने के बाद मेरे टिफिन मिला, तो उसके लिए मैं पूरा मेरा वो सब तवा ये सब कुकर लेके आके पूरा बनाती थी। कि धीरे धीरे मेरे को फिर यहाँ पे चपाती भाजी, फिर खाना, फिर नॉन वेज पूरा मैंने फिर चालू किया यहाँ पर, तो धीरे धीरे स्टार्ट करके। और खास बात ये आपकी किचन की मैं देख रहा हूँ, सारी जो अंदर लेडीज हैं वो सब आपके गांव से हैं या आसपास से हैं? नहीं नहीं, सब लंबा लंबा से है, मतलब अच्छा, बहुत दूर दूर से है, मतलब एक ही गांव के नहीं है। पर खाना सिर्फ आप सब लोग मिलके किचन में बनाते हैं? हम लोग का प्रोपोर्शन है कि 1 किलो चिकन है कि वह 1 किलो मटन है, तो उसके लिए प्रोपोर्शन जो हमने रखा है ना हमारे मसाले का, तो वो हिसाब से हम लोग की मतलब टेस्ट चेंज नहीं होती है। इतने सारे रेसिपीज ये कहाँ से, जो लोग आते हैं वो अपनी रेसिपीज लेके आते हैं या आपने शुरू करा? ये जो मैंने चालू किया ना ये सब होमली है, ये सब कुछ इसमें कुछ अलग ही नहीं है। और जो हमारा मसाला जो हम बनाते हैं अभी 4 साल से हम लोग जो बेचते हैं, तो उसमें क्या है ना 23 इंग्रेडिएंट्स है। खलबत्ता मालूम है? खलबत्ता बिल्कुल, वैसे वो मशीन होती है उसमें बनाते हैं, तो उसमें कैसा है कि स्मेल वैसे ही रहते ताजा, तो तभी ये फ्लेवर्स ऐसे हैं, बिल्कुल घर के फ्लेवर्स हैं। और मैं अभी ये प्रॉन खा के देख रहा हूँ और इसके अंदर मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत डिलिशियस है, लेकिन बिल्कुल घर जैसा, यानी कि तीखापन, एक कड़वाहट जो तेजी होती है वो नहीं है, बिल्कुल सूदिंग एक टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया है। तो अभी आपके घर में फार्म पे जो है आपके, आप कह रहे थे कि आपके पास 4-5 खाली कमरे हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ और शुरू किया अभी? नहीं, कॉटेज किया ना हम लोग ने। अच्छा, तो बिल्कुल नेचुरल जो फार्म है, जैसे महाराष्ट्र टूरिज्म अभी एग्रो टूरिज्म में बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब अपने घर में अपने फार्म में लोग रह रहे हैं, बिल्कुल घर का माहौल है आसपास ऐसा। ये बहुत मजेदार है, ये प्लेन पॉम्फ्रेट आपने बोला, और ये इसमें क्या स्टफिंग है? इसमें कोकोनट, अदरक, लहसुन, हमारा मसाला, इमली, वो सब डाला है और इसको बांध के बनाया गया है पॉम्फ्रेट को। हाँ, क्योंकि उसका जो वहाँ पे से निकल जाएगा ना उसको कट किया था हाफ और उसके अंदर स्टफ किया, आधा काट के मसाला लगा के बंद करके फिर ऐसे जैसे घर में बनाते हैं और भजिया तो बिल्कुल है। तो एकदम बड़े प्यार से बनाया गया है सब कुछ, बड़े रिलैक्स तरीके से बनाया गया है, कुछ स्टोर्ड नहीं है, कुछ तेल नहीं है, सब ताज़ा, सब बिल्कुल घर के स्टाइल का। तो जब आप यहाँ पे आके ऑर्डर करेंगे तो फटाफट आपको 5-10 मिनट में गरम गरम खाना मिलेगा किचन से, ताजा एकदम। और ये मछली कौन सी है? सुरमई है। सुरमई, वेरी नाइस। हाँ, इधर सुरमई बहुत पसंद करते लोग। हाँ, सुरमई और पापड़ ज्यादा पसंद करते हैं। इसको तो मैं जानता हूँ। और ये मैं 1-2 से शुरुआत करता हूँ पूरन पोली से, और फिर आगे देखते हैं और कितनी। और अगर आप मराठी घरों में जाएंगे तो पूरन पोली तो एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट चीज है जो सब ट्राई करते हैं। और खास अब आपको, और ये क्या है? ये अमरखंड है। अमरखंड जो मतलब श्रीखंड जैसे। हाँ, आम, इसके अंदर आम का, ये हमारे फार्म का आम है ना, उसका इसके अंदर पर डाला है। अरे बाप रे बाप, चलो जी अब मेरे को पता चल गया है, अमरखंड। अमरखंड। और ये सीजन में बनता है? नहीं, हम लोग 12 ही महीने रखते हैं। 12 ही महीने रखते हैं। अगर आप कहीं भी हो और अलीबाग के 100-200 किलोमीटर के अंदर अंदर हो तो यहाँ पर आके अमरखंड खा लीजिए, बिल्कुल पछताएंगे नहीं आप। ये तो बहुत ही ज्यादा, ये तो दिस इज टू गुड।
मैंने इतना अच्छा अमेरिकन पहले कभी नहीं खाया जिंदगी में, सीरियसली। तो देखिए टेस्ट बहुत वेरिड है, बहुत फैंटास्टिक है, मोदक क्या पड़े। और ये अमरखंड खा के मेरे तो होश उड़ गए हैं सारे के सारे। अब मोदक यहाँ का कैसा है, फाइनल टेस्ट है ये। ओह माय गॉड, ये देखिए इसका अंदर से देखिए कैसे टपक रहा है मोदक घी के साथ, और ये मिठास इसकी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। स्वर्णता है सब कुछ फर्स्ट क्लास हेयर स्टाइल का, लेकिन आपकी जो मिठाई है ना, अमरखंड मोदक और पूरन पोली, इसका तो जवाब नहीं है। ये आपने बनाया? सब यहीं पे बनाते हैं हम लोग। आप कभी दिल्ली आओ ना, 5-6 साल आके मेरे घर में आके रहो, रोज बनाएंगे आप और मैं मिलके। मराठी स्वीट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग बहुत ज्यादा, और आज मुझे पता चल गया है जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मराठी स्वीट्स आर नॉट अप टू द मार्क, गलत बोलते हैं। यहाँ पर आके आप स्वीट्स खाइएगा, टू गुड। अब मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज आपने सुबह अगर कोई भी गेस्ट किया वो गलत है, आज रात को हमारी गाड़ी अलीबाग में ही रुकेगी और मैं अमरखंड खा के और मोदक खाऊंगा तब तक जब तक मुझे नींद ना आ जाए। स्वर्णता ये थाली पीट खा के मैं हैरान हो गया हूँ, गरम गरम ये है क्या, कैसे कैसे बनाते, क्या क्या डालते हैं इसके अंदर? इसके अंदर अभी दाल जो पूरी सब दाल है उसके अंदर जितने अपने पास है वो, उसके अंदर भी जीरा ये गरम मसाला पूरा पालक है ये नहीं, अभी इसके अंदर कोथिंबीर डाला है, मिर्ची और कांदा प्याज डाला है उसके। तो आप लोग इसके अंदर मेथी वगैरह भी डाल सकते हैं, पालक मेथी वगैरह। ओहो देखिए जी सब भूल जाइए, सब लोगों ने आपको गलत बोल दिया है, सारी दुनिया में आप जहाँ भी हो सब कुछ छोड़ के अलीबाग आ रही है। और अब तो मैं नाम भी भूल गया, मेरे को इतना अच्छा लगे। अमरखंड खाइए, मोदक खाइए, थाली पीठ खाइए, बाकी सब छोड़िए, बाकी बातें बाद भी होती रहेंगी। और ये इसको मत भूलिएगा पूरन पोली, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। बस बस और नहीं, अब मैं खा रहा हूँ बस।